प्राचीन दुदेखेड़ी माताजी मंदिर पर भंडारे की 10वीं वर्षगांठ एवं 108 अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति पर गुरुवार दोपहर को कस्बे के लाडी सुया कुंड से वेद विद्यालय के बाल बटुकों व सरदारों ने हाथों में केसरिया झंडियां लेकर गाजेबाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में जय माता दी नवयुग मंडल सदस्य वेद विद्यालय के आचार्य माधव शर्मा घोड़ी पर सवार होकर हाथ में ध्वज लेकर शामिल थे, तो वेद विद्यालय के बाल बटुकों दो पंक्तियों में शामिल थे। बैंडबाजों पर बजते माता के भजनों पर महिला पुरुष श्रद्धालु नाचते गाते चल रहे थे। शोभा यात्रा लाडी श्या कुंड से प्रारंभ होकर बस स्टैंड से आवा चौराहे पहुंची। शोभा यात्रा का मुख्य बाजार में जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। वहीं स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं को हलवा दूध व अल्पाहार कराया। शोभा यात्रा का माधोपुर गाँव में ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा व चाय पिलाकर स्वागत किया। शोभा यात्रा में दुदेखेड़ी माता मंदिर परिसर पहुंचने पर नवयुग मंडल के सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। माता मंदिर परिसर में प्रातः 9 बजे से 108 आहुतियों के साथ हवन यज्ञ हुआ। श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में भाजपा नेता हीरालाल नागर एवं सांगोद पंचायत समिति प्रधान जयवीर सिंह भी शामिल हुए। शोभा यात्रा का जुलूस करीब 2 किलोमीटर लंबा था। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन एवं आयोजकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। श्रद्धालुओं की भीड़ से कनवास से आवाज के बीच कई बार जाम के हालात बने। भोजन प्रसादी के लिए 14 काउंटर यहां लगाए गए थे। समिति सदस्यों द्वारा प्रसादी के लिए अलग अलग काउंटर लगाए गए थे, जिसमें महिलाएं और पुरुषों के प्रत्येक काउंटर पर कार्यकर्ता दिन भर व्यवस्था में जुटे रहे। दुदेखेड़ी माता मंदिर परिसर में विगत 9 वर्षों से श्रद्धालुओं की सेवार्थ जन सहयोग से चले आ रहे साप्ताहिक भंडारे की 10वीं वर्षगांठ पर बुधवार रात्रि को जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने माता के भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़, और प्रेस करें बेल आइकन को।